नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर में अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लास टू के लेवल का आज हम लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। तो बिना समय को गंवाए हुए जल्दी से जल्दी वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सबसे पहला सब टॉपिक मैंने बनाया है वो है वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी आप सभी से एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि सबसे पहला काम जो हमको मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले करना है वो क्या करना है, हमें टेबल 2 से लेके टेबल 20 तक का सब कुछ लर्न करना है आपको। मतलब 2 से 20 तक के टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए। यू शुड हैव लर्न टेबल फ्रॉम 2 to 20, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो सबसे पहला सब टॉपिक है वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन, इसको समझते हैं। बहुत इजी है ये, जैसे ऊपर एक डिजिट रहेगा नीचे एक डिजिट रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको टेबल याद होगा तो आप उसमें देखेंगे 4 3 12, वैसे ही अगर एक आ गया 9 × 7 तो 7 9 63। उसके बाद अगर आता है 9 × 9, 9 9 9 × 9 81। इस तरीके से करके ये क्लियर हो गया। वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी तुरंत तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। अब देखिए जैसे कि एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि मल्टीप्लाई किस तरीके से किया करते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ करिए कि आपको लिखना है 3 × 4, तो आप क्या करेंगे, तो क्या करते हैं हम कि 3 × 4 मतलब एक बार 3 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 3, फिर 3, 4 बार 3 लिख दिया। अब इसको जोड़ देंगे 3 3 6 6 3 9 9 3 12। इस तरीके से करके हमारा आ गया 12, ठीक है। ये 4 को जोड़ने पे 12 आ गया, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने मैंने आपको सीधे बताया था 3 × 4 करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 12 आ गया आंसर, 3 4 12। अब वैसे ही हम लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन करना है। नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 0 1 2 3। तो इसके लिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको कहा जाए 2 × 3, ठीक है, 2 × 3, मैं इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, 2 × 3। अब हमें क्या करना है कि 2 पहला हमारा जो क्या था 2 था, तो 2 को 3 बार लिखना है। तो अब यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और दो दो कदम चलेंगे 3 बार, दो दो कदम चलेंगे 3 बार, 1 2 कदम हो गया ना, 1 2 2 कदम 1 2 2 कदम हो गया। फिर यहाँ से 1 2 कहाँ पे आके रुके, 6 पे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6। 0 से स्टार्ट करते हैं चलना, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6। मतलब दो दो कदम चलना था 3 बार, तो आंसर हो गया 6। अब वैसे ही अगर यहाँ पे रहता, मान लीजिए कि 5 × 9, तो 5 5 कदम चलते 9 बार, तो जहाँ तक जाता, अभी मैंने पूरा नंबर लाइन नहीं बनाया, तो लास्ट तक 45 तक जाता। तो 5 9 0 हमको 40 टेबल याद है, 45 होता है, 5 9 0 तो 45 तक चला जाता है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है वो ये है मल्टीप्लीकेशन बाई वन, मल्टीप्लाई बाई वन। जब हम किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो,
हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद अपने आप उतर के नीचे वापस आ जाता है, वो जो नंबर होता है वही वापस नीचे उतर के आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वापस खुद से उतर के नीचे आ जाता है, वही आंसर बन जाता है, जो क्वेश्चन था वही आंसर बन जाता है, ठीक है। अगला है मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो। अगर कोई भी नंबर है, वैसे ही तीन डिजिट ले लें, दो डिजिट ले लें, कुछ भी, उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ज़ीरो बन जाता है। दुनिया में किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से तो उसका आंसर क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा सब टॉपिक है, मल्टीप्लाई ऑफ टू डिजिट बाय वन डिजिट, बाय वन डिजिट मतलब ऊपर में दो डिजिट के नंबर रहेंगे, दो डिजिट के नंबर रहेंगे, दो डिजिट के, और नीचे में एक डिजिट का रहेगा, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा आप सभी। सेवन फोर ज़ा पहले पढ़ेंगे, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सेवन फोर ज़ा 28 होता है, टेबल आपको याद होगा। तो जब 28 होता है तो ये देखिए, ये वंस है, ये टेंस है, तो इन दोनों में वंस कौन सा है, वंस और टेंस। तो वंस जो होगा उसको वंस की जगह लिख देंगे 8, और जो टेंस होगा उसको यहाँ कैरी के रूप में भेज देंगे ऊपर, जैसे प्लस में करते थे। सेवन टू ज़र कितना होता है, 14, 14 प्लस 2, सेवन टू ज़र मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे, सेवन टू ज़र 14, 14 प्लस 2 16, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, 9 4 36 का 6, 36 था तो उसका ये वाला वंस डिजिट यहाँ रख दिया और टेंस को इधर कैरी भेज दिया। 9 7 63, 63 प्लस 3 66, 66, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप ऐसे ही, 15 into 8, 8 5 40 का 0, 40 अगर है तो 40 का 0 लिख दिया और 4 को क्या भेज दिया, कैरी भेज दिया इधर ऊपर, 8 1 8, 8 प्लस 4 12। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे आपके, कैसे कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले इधर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर दो डिजिट आ जाता है, एक आता है तब तो कोई बात नहीं, उसको लिख देंगे, अगर दो आ जाता है तो उसका वंस डिजिट यहाँ रख देते हैं और उसके बाद जो टेंस होता है उसको ऊपर कैरी की तरफ भेज देते हैं, अगले डिजिट की ओर, वैसे ही यहाँ भी करते हैं। अब इस तरीके से करके ये हो गया क्लियर, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेम ऐसा ही है, अब ऊपर में थ्री डिजिट रहेगा बाय वन डिजिट, मल्टीप्लाई थ्री डिजिट बाय वन डिजिट, मतलब कि ऊपर में तीन डिजिट है, नीचे एक ही डिजिट है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, मैंने जैसा अभी पहले वाले में बताया वैसा यहाँ भी होगा। 7 7 ज़र कितना होता है, 49 होता है, तो 49 का 9 रख लिया, 4 को ऊपर भेज दिया कैरी के रूप में अगले वाले पे। अब 7 0 ज़र कितना होता है, 0 होता है, अभी मैंने इसके पहले क्या बताया कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7 0 ज़र 0, 0 प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले कैरी को प्लस कर देते हैं, 7 0 ज़र 0, 0 प्लस 4 4, 7 3 ज़र 21। अब यहाँ पर 21 आया तो मैंने यहाँ पे ये रख के 2 को ऊपर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं भेजा, जब इधर कुछ है ही नहीं तो वो 2 यहीं पे रह के ख़त्म हो जाएगा, आगे कोई है भी तो नहीं देने के लिए ना, जिसको दिया जाए, अगर कोई रहता तो उसको आगे कैरी दे दिया जाता, पर ऐसा तो कोई है नहीं। वैसे यहाँ देखिए, 2 9 ज़र 18, 18 का 8 यहाँ हो गया 1, 2 6 ज़र 12, 12 प्लस 1 13, 2 1 ज़र 2, 2 प्लस 1 3, 2 9 ज़र 18 का 8, 1 कैरी गया, 2 6 ज़र 12, 12 प्लस 1 13 का 3, 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3। अब यहाँ देखिए, 2 9 ज़र 18 का 8, 1 कैरी गया, 2 7 ज़र 14, 14 प्लस 1 15, फिर 1 चला गया कैरी, 2 3 ज़र 6, 6 प्लस 1 7, ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का वो है मल्टीप्लिकेशन विथ वन डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। कैरी ओवर मेरे ख्याल से आपको जो मैंने भी बताना था वो बता ही दिया है, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं कैरी ओवर बताने के लिए। तो कैरी ओवर का यही मतलब था कि जैसे कि सिंपली अभी मैंने आपको बताया, तो मैं उसको मिक्सअप कर देता हूँ कि ऊपर सपोज एक बार टू डिजिट है और एक बार थ्री डिजिट है, दोनों में कैरी ओवर वाला काम है। तो कैसे करेंगे दोनों को ये समझते हैं। 7 4 28 का 8 28 का 8, वन डिजिट को वंस के नीचे रख दिया, वंस के नीचे रख दिया और टेंस को टेंस पे भेज दिया। वह 7 2 14 14 और उसके बाद कैरी कितना यहाँ से गया, यहाँ से कैरी गया था 2, 7 2 14 14 2 16 ये हो गया। 7 4 28 का 8 2, 7 9 63 + 2 65 का 6, 7 2 14 14 + 6 20, इस तरीके से ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें का ये बन गया, इसमें का ये आंसर आ गया। तो कैरी ओवर यही था, कैरी देने अगले वाले डिजिट को कैरी दे दिया जाता है, और जहाँ पर डिजिट खत्म हो जाती है तो वहाँ पर दोनों डिजिट उतार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कैरी देने के लिए कुछ बचा ही नहीं वैसा कि जिस पर से कैरी दिया जाए। तो इस तरीके से जो हमारा आज का ये वीडियो था ये भी ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो एक्चुअल में उसका कोई रिज़ल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।